हाय दोस्तों, मैं हूँ क्रांति और क्रांति रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिना दाल चावल भिगोए मेंदू वड़ा, झटपट और इंस्टेंट ऐसा अपना मेंदू वड़ा। वीडियो का शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आपको वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उसी तरह लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। जब आपके कमेंट आते हैं तब मेरा हौसला बना रहता है कि इसी तरह मैं नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं, इसीलिए प्लीज कमेंट कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ऐसे इंस्टेंट मेंदू वड़ा तैयार है। ये देखिए, मैं ब्रेक करके भी बताई है, अंदर से भी कितने स्पंजी तैयार हो चुके हैं। आप सांभर चटनी इसी के साथ भी ये आप खा सकते हैं। इंस्टेंट ऐसा मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने एक बाउल रवा लिया है। यहाँ पे मैंने दो बाउल पानी गरम करने के लिए रखा है, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और स्वाद अनुसार नमक। पानी को हम बॉईल आने देंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम ये सूजी। हमें इसमें सूजी थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और इसको मिक्स करते जाना है। इसकी गुठलियां ना बने, ऐसे ही इसको डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है, पूरा पानी सूजी ने सोख लिया है। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इस पे हम ढक्कन रख के इसको 2 मिनट तक के स्टीम कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे सूजी ने पूरा पानी सोख लिया है। अब इस टाइम हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सूजी को हम इस बाउल में निकाल लेंगे। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून इतना जीरा। हरी मिर्च मैंने काट ली है, वो भी डाल लेंगे। ऑप्शनल है, को पसंद नहीं है तो ना डालें। और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसी में डालेंगे हम 1 टीस्पून इतना नींबू का रस। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम ये पानी के हाथ से पानी ऐसे हाथ को लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा एक गोला निकाल लेंगे। राउंड बनाने के बाद हमें इसको ऐसे दबा लेना है और ऐसे राउंड शेप देके बीच में ऐसे होल बना लेना है। ये देखिए हमारा मेंदू वड़ा तैयार है। और एक वड़ा बना के मैं आपको बताऊंगी। ऐसे बैटर का एक गोला लेना है और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। मिक्स करके इसको ऐसे बीच में दबा के फिर ऐसे होल बना लेना है और अच्छे से राउंड शेप दे देना है। इसी तरह मैं पूरे अभी मेंदू वड़े बना लेती हूँ। हमारे कुछ मेंदू वड़े बनके तैयार है और एक साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम ये वड़े और हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही तल लेना है। वड़े पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको पलटा लेंगे और दूसरी साइड से भी हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसे हम इस तरह पलटा पलटा के अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।
इसे फ्राई करने में मुझे 5 मिनट का टाइम लग चुका है। अब हम कलची से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ। और इसी तरह हम हमारे बाकी के वड़े भी बना लें। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची इंस्टेंट मेंदू वड़ा तैयार है। ये देखिए मैं ब्रेक करके भी बताई हूँ, अंदर से भी कितने स्पंजी तैयार हो चुके हैं। आप सांबार चटनी के साथ भी ये आप खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट ऐसी हमारी ये रेसिपी है। तो प्लीज़ आप बना के देखिए और बनाने के बाद रेसिपी कैसी बनी है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए क्रांति रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।